गुड मॉर्निंग, जय हिंद। दिस इज शबनम फातिमा फ्रॉम सबधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 57 हमसे पूछना चाह रहा है कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको एक्चुअल में कौन कैरी करता है या उसका संचरण कौन करता है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज पल्मोनरी वेन्स, सेकेंड इज पल्मोनरी आर्टरी, थर्ड इज हेपेटिक पोर्टल वेन्स और द फोर्थ इज रेनल वेन। अब देखिए, हमारे बॉडी में दो तरह की संरचनाएं होती हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती हैं। द फर्स्ट वन इज आर्टरी एंड द सेकेंड वन इज वेन्स। तो आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो हमेशा ही अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं। ठीक है, आपको नॉर्मली ये याद रखना है। बट जब यहाँ पे पल्मोनरी के बारे में बात होगी, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसी, ठीक है, तो जब पल्मोनरी के बारे में बात होगी तो ये हमेशा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब आपकी जो पल्मोनरी वेन्स होगी वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी और जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। मतलब नॉर्मल से जस्ट अपोजिट हो जाता है पल्मोनरी के केस में। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा विच इज ऑप्शन नंबर 1, पल्मोनरी वेन्स या फुफ्फुसीय शिरा। अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।